तो सुकमा के यहाँ पर पुलिस ने दो वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया और आज के दिन दूसरी बार ये मुठभेड़ हुई है। डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई की है। 12 राइफल और विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि 12 राइफल और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और बड़ी खबर आ रही है सुकमा से। पुलिस ने दो वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है। आज के दिन ये दूसरी मुठभेड़ हुई है और डीआरजी और एसटीएफ की टीम की यह कार्रवाई है जिसमें 12 राइफल और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी टीम ने दो वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया और यह भी बताया कि आज ही के दिन दो बड़ी जो मुठभेड़ है उसको अंजाम दिया गया है। 12 राइफल और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और आपको बता दें कि ये खबर सुकमा से है जहां पर पुलिस ने दो वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इसी खबर पर शिवा यादव जुड़ चुके हैं। शिवा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिन में दो बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में दो वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है, पूरा सिलसिलेवार जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, 12 घंटे के अंदर यह दूसरी बड़ी सफलता है जिला पुलिस सुकमा को। डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने यहाँ बुरकापाल में दो वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है। पहला जो घटना हुआ था वह डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई थी। दूसरी घटना है जिसमें दो वर्दीधारी नक्सली मिले, साथ ही दो 12 बोर हथियार भी बरामद किया है। जी, क्या लगता है इस कार्रवाई में, जब हम बात कर रहे हैं कि दिन भर में दूसरी मुठभेड़ हुई है और पुलिस को, यानी हम डीआरजी की बात करें, एसटीएफ की बात करें, दोनों टीमों ने इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और क्या क्या कुछ उस कार्रवाई के दौरान नक्सली सामग्री मिली है? जी, जैसे बता दूं, आज एसपी से जैसी बात हुई थी आज, तो एसपी कह रहे थे कि हमारी जो ऑप्स है चारों ओर चल रही है, चारों तरफ जवान निकले हुए हैं और लगातार ऑपरेशन जारी है और कहीं ना कहीं इसी का दबाव है कि नक्सलियों के साथ लगातार ये दिन में दूसरी मुठभेड़ हुई है और साथ ही जो नक्सली सामग्री की जो आप बात कर रहे हैं, नक्सली सामग्री में विस्फोटक सामग्री हो, उनकी दैनिक उपयोग की सामान हो या फिर वो जो हथियार, जो देसी पिस्टल, 12 बोर बंदूक जैसे कई चीजें। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे जिन नक्सलियों को मार गिराया है उनकी शिनाख्त हुई और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इनके ऊपर कोई इनाम भी था, यदि था तो कितने तक का इनाम था जिन नक्सलियों पर? जी, अभी नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हुई है। नक्सली अभी भी बुरकापाल क्षेत्र में ही है, उन्हें सुकमा लाया जाएगा जिसके बाद जो सरेंडर किए हुए नक्सलियों से उनकी शिनाख्त की जाएगी, उसके बाद ही पुलिस इसकी बात की पुष्टि करेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा इस जानकारी को साझा करने के लिए। यानी आपको बता दें कि पुलिस ने दो वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया, फिलहाल उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, सुकमा लाने के बाद उन जो उनके सरेंडर किए हुए नक्सली हैं उनको इनकी लाश दिखाई जाएगी, डेड बॉडी दिखाई जाएगी, तब जाकर पुष्टि हो पाएगी कि आखिरकार ये नक्सली कौन थे और साथ में इन पर कितनों का इनाम था। धमतरी में पूर्व विधायक हर्षद मेहता के भाई के घर में चोरी हो गई, बदमाशों ने सुने मकान को निशाना बनाया और